हाय गाइस, वेलकम बैक टू द श्रेया स्टोरी। मैं हूँ श्रेया एंड इट्स नॉट अ गुड डे क्योंकि ये मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इस टाइम में तबीयत ख़राब होना यू कैन रिलेट कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी में। आप कोई दवाइयाँ अपने मन से नहीं ले सकते हो, बहुत सारी दवाइयों की रिस्ट्रिक्शन होती है और इम्यूनिटी बहुत वीक होती है इस टाइम। सो अभी जो मेरी हालत है इट्स नॉट रियली गुड। दो दिन से मैं बीमार हूँ, कल ज़्यादा ही थी, रात में यानी सुबह से ज़्यादा ही प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, स्टार्टिंग विथ नॉर्मली सर्दी जुकाम, बट उसके बाद फीवर, फिर शिवरिंग होने लगी, मुझे बहुत ठंड लगने लगी, एक्चुअली बहुत ज़्यादा ठंड। तो मैंने अभी देखो ये ब्लैंकेट लेके रखा है, अभी तो फ़िलहाल नॉर्मल लग रहा है क्योंकि मैंने दवाई ली है जो मेरे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है किस टाइम में कौन सी दवाई ले सकती हूँ, और बहुत कुछ मुझे सोच के करना है कौन कौन सी चीज़ें इसमें नहीं खानी पीनी है प्रेगनेंसी में। काढ़ा नहीं पी सकते, काढ़ा पी भी सकते हैं तो उसमें बहुत चीज़ें आपको नहीं लेनी है, तो लॉट्स ऑफ थिंग। और इसी के साथ साथ अकेले बीमार रहना इट्स रियली ओके, बट जब हस्बैंड भी बीमार हो तो इट्स रियली टफ क्योंकि घर में दो दो जन अगर बीमार हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। बट इट्स रियली गुड कि अभी मेरे पास मेरी सिस्टर है तो उसने सब कुछ संभाला है, सो वो एक बहुत बड़ा रिलीफ है। अकेले करना होता तो आई डोंट थिंक कि मैं कर पाती क्योंकि आपके साथ आपके फैमिली मेम्बर्स हैं और घर में अगर बूढ़े बुजुर्ग हैं तो उसके साथ और प्रॉब्लम हो जाती है। आप अपने आप को देख रहे हो, दूसरा जन जो बीमार है वो उसे देखो, या फिर आप अपने मदर इन लॉ को देखो, इट्स रियली टफ। सो थैंकफुली कि वो पहले ही आ गई थी सिस्टर मेरे लिए तो ठीक है, बट प्रेगनेंसी में मैं बहुत बचा के चल रही थी। मैं दो बार बची हूँ सर्दी से क्योंकि घर में दो बार सर्दी हो चुकी है जिससे मैं बच गई थी, बट इट्स थर्ड टाइम कि मैं बच नहीं पाई और मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। इस वजह से कोई व्लॉग नहीं आ पा रहा है, मैं कुछ शूट नहीं कर पा रही हूँ, वीडियो लाइन पे लगी है बट मैं उसे एडिट नहीं कर पा रही हूँ, तो देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ थिंग्स आप नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए कह रही हूँ प्रेगनेंसी में ये भी होना था। इट्स रियली टफ, बहुत टफ होता है, सर्दी जुकाम कहने की चीज़ है बट इट्स नॉट हल्का फुल्का चीज़ नहीं होता, इसमें काफ़ी चीज़ें होती है। सर्दी होता है, जुकाम होता है, आपको गले में दर्द, सर में दर्द, शरीर में दर्द, फीवर, खांसी, हर एक चीज़ होती है। अभी मैंने मेडिसिन ली है मेरे फीवर की, तो जो मुझे प्रिस्क्राइब की गई है वो गले की खराश के लिए स्ट्रेप्टिल्स ले रही हूँ और विक्स को लगा रही हूँ, अदरक वाली चाय ले रही हूँ, गर्म पानी पी रही हूँ, यही सब है, थोड़ी बहुत होम रेमेडी और इतना कर रही हूँ फिलहाल। देखते हैं कब अच्छे से मैं इसको रिकवर कर लेती हूँ, कब तक। इट्स रियली, मुझे नहीं पता था कि इतना प्रॉब्लम हो जाएगा, क्या सर्दी जुकाम होती रहते हैं, बट आई एम वेरी वरीड क्योंकि ओमिक्रॉन के जो मामले हैं वो भी बहुत बढ़ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा ना हो। सीरियस स्टेज पे तो नहीं है बट फिर भी आपको डर लगता है इस टाइम, और मैंने बाहर निकलना और कंपाउंड में भी टहलना अभी फ़िलहाल कम कर दिया है बिकॉज ऑफ द ओमिक्रॉन के वजह से, कि ठीक है चलो जब थोड़ा कम होगा तब स्टार्ट करेंगे। घर में ही जो मैं एक्सरसाइजेस कर रही हूँ उसी को रेगुलर कर रही हूँ, पर दो तीन दिन से वो भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि मुझे इतनी हिम्मत ही नहीं है मैं उठूं। सुबह सुबह ही मुझे इतनी शिवरिंग होने लगी, इतनी ठंड लगने लगी कि मैंने 3 से 4 लेयर अपने ऊपर डाली थी, तब भी मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। फिलहाल अभी नॉर्मल है, नॉर्मल क्योंकि मैंने अभी दवाई ली है, तो दवाई का जब तक असर है तब तक इट्स गुड, और इतना ख्याल रखने के बाद भी हो गया, बट इट्स ओके, हम हो गया तो हो गया है। और मैंने मुझे यही अपडेट देना था कि ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं इस वजह से, या कोई वीडियो क्यों नहीं आ रही है क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग वेल राइट नाउ। सो जब ठीक हो जाऊंगी तो मैं कोशिश करूंगी कि वीडियो एडिट कर करके धीरे धीरे डालूं। मैंने काफ़ी वीडियो कर रखे हैं बट उसके एडिटिंग का ही प्रॉब्लम हो रहा है,
तो वो मैं आपको शेयर करूँगी। अभी तो लाइफ अपडेट यही थी। सुबह सुबह मैंने थोड़ा गर्म पानी के साथ दो चार बिस्किट लिए, थोड़ी सी अदरक वाली चाय लेने के बाद मैंने दवाई ले ली ताकि मुझे थोड़ा सा रिलीफ लगे, क्योंकि सुबह काफ़ी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी। अराउंड 4 o'clock मुझे बड़ी परेशानी हो रही थी, तो मैंने 6-7 बजे उठ के जल्दी जल्दी ये कर लिया। और अभी बज रहे हैं 9:30। अभी मैं अपने फिर से अब मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी, क्योंकि दवाई लेनी बहुत ज़रूरी थी इस वजह से मैंने लिया। अभी तो खांसी की शुरुआत हुई है, देखते हैं क्या क्या आज का दिन कैसा जाता है वो मैं आपको दिखाती चलूँगी जितना भी मैं शूट कर पाऊँगी। सो अभी मिलते हैं आपको ब्रेकफास्ट करके। तो ये है ब्रेकफास्ट जिसमें मैंने ब्रेड बटर लिया, ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं हो रहा था, अदरक वाली चाय, इसी के बाद स्टीम लेना था तो इसमें मैंने थोड़ा सा विक्स जो है वो डाला, और इसे स्टीम लेंगे तो थोड़ा राहत मिल रही थी, तो इस वजह से स्टीम इट्स रियली गुड। सब लोग सजेस्ट भी करते हैं, मुझे भी काफ़ी आराम मिल रहा था तो इस वजह से स्टीम मैंने लिया, और दिन में 2 से 3 बार लेने की कोशिश भी कर रही ताकि ज़्यादा रिलीफ रहे, क्योंकि गले में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था, इस वजह से मैं बोल भी नहीं पा रही थी। और इसमें गले में दर्द की वजह से ही मैंने काढ़ा जो है मुझे दिया गया, जो काफ़ी रिलीफ होगा, इसलिए वॉइस ओवर ही कर रही हूँ। तो काढ़ा पीने से सुना है कि गले का दर्द वगैरह अच्छा हो जाता है, खराश वगैरह नहीं रहती है, तो ये काढ़ा है। काढ़ा में बहुत ज़्यादा अच्छा था, तुरंत मेरे गले में भी लग रहा था, मुझे काफ़ी आराम भी मिल रहा था, तो ये काढ़ा इट्स रियली गुड। काफ़ी मुझे बहुत बेटर लगने लगा इसे पीने के बाद। इसमें मैंने कुछ ऐसा नहीं डाला है, थोड़ी सी अदरक काली मिर्च यही डाल के दी गई है, नो हल्दी नो अजवाइन बहुत कुछ नहीं डाला गया है। उसी के बाद एक हादसा भी हो गया, मैं जो नुकसान मैं बता रही थी कि मेरा ये जो ट्राईपॉड है वो टूट गया, और मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि इसका माउंट टूट गया, जिसमें फ़ोन या कैमरा आपका सेट होता है वो माउंट टूट गया है। अब ये अलग से मिलेगा या नहीं मिलेगा, या इसके लिए मुझे पूरा ट्राईपॉड लेना पड़ेगा, आई रियली डोंट नो। तो ये मेरा आज का सुबह सुबह का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, और मुझे नहीं पता मैं किस तरह से वीडियो शूट करूँ, हाथ में लिए लिए इतना कंफर्टेबल नहीं होता है, तो प्रेगनेंसी में तबीयत भी ख़राब है, घर में भी लोगों की तबीयत ख़राब है, और ये एक नया नुकसान। ये शाम का टाइम है, शाम से मेरी हालत और भी थोड़ा ख़राब होने लगा था, काफ़ी तबीयत भारी होने लगी थी, आप शक्ल से देख सकते हो आंखें वगैरह सूज गई हैं, मेरा फेस भी सूज गया है, अजीब सा लग रहा है। अगेन फिर से काढ़ा पी रही हूँ, क्योंकि काढ़ा पीने से काफ़ी आराम मिल रहा था, कुछ भी दिन भर ज़्यादा कर नहीं पाई बिकॉज ऑफ द माई सिचुएशन, तो इस वजह से मैं थोड़ा बहुत शूट कर रही हूँ, वॉइस ओवर में आपको बताती चल रही हूँ कि क्या क्या हो रहा है। थोड़ा थोड़ा फीवर भी लग रहा है मुझे, और फीवर के साथ साथ खांसी और थोड़ा पेन, बॉडी पेन ये सब भी हो रहा है। तो मेरे फेस से आपको पता चल रहा होगा कि फिर से शायद शाम से हो सकता है तबीयत फिर से ख़राब हो, क्योंकि सर्दी है इतनी जल्दी तो जाएगी नहीं, 2 से 3 दिन 4 दिन भी लग सकते हैं। तो मैं काढ़ा पी रही हूँ, स्टीम बराबर ले रही हूँ, और जो मुझे प्रिस्क्राइब की हुई है मेडिसिन वो भी मैं ले रही हूँ। तो अभी इसके बाद मैं डिनर करूँगी सीधे, और शायद अपनी दवाई खा के सो ही जाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा कुछ करने की हिम्मत नहीं है, धीरे धीरे टेम्परेचर और बढ़ ही रहा है, तो इस वजह से ज़्यादा कुछ नहीं शूट करूँगी, जो भी अपडेट रहेगी वो मैं आपको दे दूँगी। और इसके बाद मैंने सीधा डिनर किया, और फिर मैं मिल्क ले रही हूँ, ये वॉर्म मिल्क है जो मुझे पीना है विद केसर, वो मैं ले रही हूँ शुरू से प्रेगनेंसी में, और ऐसे मिल्क पीऊँगी, फिर अपनी मेडिसिन जो है वो लूँगी, और जो मेरी प्रेगनेंसी वाली मेडिसिन है वो उन सबको ले लूँगी, क्योंकि वो भी मुझे लेनी है आफ्टर डिनर, तो वो मैंने ले ली है। होपफुली कल का दिन अच्छा हो, और अब इसके बाद मैं सोने की कोशिश करूँगी, और फिर नई अपडेट आपको ज़रूर दूँगी। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, आप सब अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, लव यू, सी यू सून।